नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से, करनाल न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। देखिए, डिब्बा बंद जूस कैसे घोल रहा है जहर लोगों के जहन में, मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिब्बा बंद जूस, पैक्ड जूस जिन्हें कहते हैं, कैंड जूस। और ये हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन की कीमत करोड़ों रुपये से भी नहीं की जा सकती। हम एक एक ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो डिब्बा बंद जूस है, इनमें कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ कि 100% इसमें जूस है। इसको अगर हम एक ग्लास जूस निकालेंगे, किसी भी जूस का अगर एक ग्लास लेते हैं हम, तो इस बोतल में लिखा है कि इसमें 25% जूस है। ये जो पूरा ग्लास है, इसमें से 25% तो फ्रूट का पल्प है, बाकी 75% क्या है आप ये देखिए, 75% क्या है। ये बोतल है आपके सामने, ये जूस है, और इस पर बोतल पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स पे कि, और किसी पे लिखा होता है 15%, किसी पे 15%, किसी पे 20%, किसी पे 25%, तो बाकी सब शुगर है, कलर्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, फ्लेवर्स हैं, और वो देते हैं बॉडी को नुकसान। इसमें बड़े हैवी मेटल्स होते हैं, हार्मफुल मेटल्स होते हैं, जैसे कैडमियम, जिंक, मरकरी, जो कि हैवी मेटल्स बच्चों के दिमाग का विकास नहीं होने देते। बड़े चाव से बच्चे पीते हैं इसे, टेस्टी बनाते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल के, और जो कैलोरीज मिलती हैं उससे होता है फैटी लीवर, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं फैटी लीवर उससे होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, या किसी को डायरिया भी हो जाता है, इसे पीसीओडी की समस्या होती है, इसे सांस की दिक्कत होती है, हमारी स्किन में झुर्रियाँ आती हैं, ब्लैक जो काली झाइयाँ हो जाती हैं, ये स्किन की दिक्कत होती है, बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर्स होते हैं, एडेड कलर्स होते हैं। तो इनसे बचने के लिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो शराब भी छुड़वा दी, बीड़ी भी छुड़वा दी, सॉफ्ट ड्रिंक भी छुड़वा दी, और ये धीरे धीरे करके सारे डिब्बा बंद जूस भी। देखिए, आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये अच्छी बात नहीं है। क्या लें फिर इसके बदले में जो सेफ अल्टरनेटिव्स हैं, एक तो नारियल पानी ले सकते हैं, फिर छाछ ले सकते हैं, छाछ नींबू पानी ले सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 40 साल से जब भी नवरात्रि के व्रत रखते हैं एक हफ्ते के लिए, तो केवल नींबू पानी लेते हैं। 40 साल हो गए उनको, हम लोग भी फलाहार से व्रत रखते हैं। लोग गोमूत्र पीने से तो कतराते हैं। जो गोमूत्र है ये एक तरह की, ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, ये बॉडी की शुद्धि करता है, इसमें बड़े फायदेमंद तत्व मिलते हैं। तो इसका उपयोग हम एक औषधि के रूप में, जब सुबह पानी पीते हैं उठ के, उसमें एक चम्मच डाल के ये लेंगे, ये तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा गोमूत्र। देखिए, मैं भी कितनी आसानी से ले लेता हूँ ऐसे, और ये तो नुकसान देंगे ही देंगे, तो इसलिए डिब्बा बंद जूस खुद भी ना यूज करें। और जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद की स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये तो बताती है कि जो भी बासी चीज है, बासी भोजन है, वो नुकसानदायक है, उसी से हमें नुकसान होता है और उसी से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये जो जूसेस हैं, जो सो कॉल्ड जूसेस हैं, इनमें बेसिकली फ्रूट पल्प की चाशनी होती है, चाशनी जिसमें कि जिसको उबाला जाता है, जो फ्रूट पल्प है, जैसे भी फल आते होंगे उस तरह के, उनको फलों को पता नहीं किस क्वालिटी के फल मिलते हैं, तो उनको उबाल के चाशनी बना के फिर उसको पैक किया जाता है, जिससे कि वो खराब ना हो जाए। और फिर भी अगर इनको खुला छोड़ दो 24 घंटे के लिए, इनमें से बड़ी गंदी स्मेल आती है, कोई भी खुला छोड़ के देखे। और फिर आयुर्वेद ने तो बताया है कि जो चीज हमने प्रोसेसिंग जैसी कर ली, वो 48 मिनट के अंदर कंज्यूम करनी चाहिए, 48 मिनट के अंदर कंज्यूम करनी चाहिए, और ये तो कई कई हफ्ते तक, कई महीने तक रखे होते हैं। तो इसलिए ऐसी प्रिजर्व चीजों से ही अनेक जेनेटिक बीमारियां हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जो जेनेटिक डिसीज है, क्योंकि इनमें जो फ्रूट पल्प है, जो फ्रूट्स हैं, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी करी जाती है, तो उस छेड़खानी से जेनेटिक डिसीज होने के चांस रहते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। मैं तो ऐसे ऐसे इश्यूज पे लाइव होते रहता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है जगदम्बा बीबी के नाम से। मैं चाहता हूँ कि हम मोटापे को, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं खान पान को सुधार के, उसके लिए बड़ी सारी मेरी वीडियो है। जब भी आपको समय मिले, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा YouTube पे। ये मेरा सिल्वर बटन भी आया हुआ है YouTube की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए आप नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाएं, क्योंकि मैंने जो नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाई है उसे मैंने फायदा उठाया है। मैं पिछले 10 साल से, 15 साल हो गए मुझे, मैं मच्छरदानी में सोता हूँ और आराम से, गर्मियों में मैं पंखा भी नहीं चलाता, और फिर मैं पिछले 15 साल से 2 ही टाइम खाना खाता हूं, मैं निरोगी रहता हूं, हेल्दी। जितना बार बार मिल लेंगे वो उकसाता है हमें डायबिटीज की तरफ, ब्लड प्रेशर की तरफ, मोटापे की तरफ, कब्ज की तरफ। अगर हम अपने खान पान ऐसे का ध्यान रखें तो बीमारियां हो नहीं सकती। जैसे हमारी ये बिल्डिंग लगभग डिसीज प्रूफ बिल्डिंग है, हम लोग हेल्दी रहते हैं, कई दशकों से हमारे घर परिवार में कोई बीमार नहीं हुआ, ऐसे आप भी हेल्दी रहेंगे अगर आप इसका। मैं तो पूरे कार्तिक के महीने
जो पिछला कार्तिक का महीना जो कल को कंप्लीट हो जाएगा, मैं कुरुक्षेत्र डेली सुबह नहाने जाता हूँ सरोवर में, सुबह 4:30 बजे डुबकी लगा के नहाता हूँ ठंडे पानी में, मैं हेल्दी रहता हूँ। और मैं तो पीछे अभी साइकिल से पानीपत दीदी के पास राखी वाले दिन गया था, रक्षा बंधवा के आया, फिर भैया दूज पे भी गया, उस दिन भी साइकिल से गया, 70 किलोमीटर साइकिल चलाई। इतनी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, हेल्दी रहती है, फिट रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को अपनाएं और आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़ के प्राकृतिक भोजन लें। सुबह शाम अगर हम लंगर जैसा खाना खाएंगे, भंडारे जैसा खाना खाएंगे, तो 100% हम 100 ईयर्स तक निरोगी रहेंगे। मेरे पापा 90 ईयर्स की एज में 100% हेल्दी है। तो हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इंजेक्शन ना लगवाना पड़े, दवाई ना खानी पड़े, ऑपरेशन ना करवाना पड़े, उसके लिए अगर हम नेचुरल खाने से हेल्दी रह सकते हैं, ये है नेचुरल खाना। देखिए ये है नेचुरल खाना, इस आर्टिफिशियल खाने को बिल्कुल मना कर दें, ये ना दें ना लें। पिछले त्योहारों पे, दिवाली पे और उस पे जितने भी ये गिफ्ट्स की गिव एंड टेक हुई है, उस पे जो ये जूस बांटे गए हैं, इनसे सबसे अब जो बीमार होने लोग मेरे पास आ रहे हैं, तरह तरह के डॉक्टर के पास सबके पास जा रहे हैं और उसमें दवाइयाँ खा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे हम आगे के लिए हम सीख लें कि ऐसे डिब्बा बंद चीज़ ना लें, जिससे कि बच्चों को भी नुकसान होता है, बड़ों को भी नुकसान होता है। एकदम तो लगता है कि टेस्ट अच्छा सा है, लेकिन बॉडी में जाके क्या नुकसान होता है वो तो फिर धीरे धीरे बाद में पता लगता है, उससे फिर बीमारियाँ आती है। तो मैं सबको एक बार दोबारा से आभार देना चाहूंगा कि सबने ध्यान से सुना। मैं चाहता हूं कि सबको ये चीज स्प्रेड करें, मैसेज सबको दें, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।